तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्र सीएससी हेल्पलाइन में। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर किसी का ई श्रमिक कार्ड बना हुआ है तो वो एनएफएसए के लिए आवेदन कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, यानी कि खाद्य सुरक्षा के लिए अगर कोई ई श्रमिक कार्ड वाला आवेदन करना चाहे तो कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, मैं आपको विस्तारपूर्वक बता दूंगा। उससे पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो देखिए, आप सभी को मैं बता दूं कि जो ई श्रमिक कार्ड बन रहा है, इसके लिए कोई भी गाइडलाइन ऐसी जारी नहीं है कि ये कोई नहीं बना सकता। ये ई श्रमिक कार्ड सभी बनवा सकते हैं, चाहे उनके नाम से कितनी भी जमीन हो, चाहे कितना भी वो काम करते हो, सभी बनवा सकते हैं। लेकिन जो खाद्य सुरक्षा वाले हैं, इसके अंदर कुछ गाइडलाइन है। तो ई श्रमिक कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है और खाद्य सुरक्षा वाले फार्म हैं जो हमारे राजस्थान सरकार द्वारा बनवाए जा रहे हैं। जो अभी आप जो आवेदन कर रहे हो उसके अंदर ई श्रमिक कार्ड वाले का आवेदन नहीं कर सकते। अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है कि कोई ई श्रमिक कार्ड वाला भी इसमें आवेदन कर सकता है। आगे नेक्स्ट टाइम में कोई अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है कि ई श्रमिक कार्ड से कोई एनएफएसए के लिए आवेदन करे। तो सावधान रहिए, समझदार रहिए और किसी का भी आपको ऐसा काम नहीं करना है कि ई श्रमिक कार्ड वाले का आप एनएफएसए के लिए आवेदन कर दो। ऐसा करने पे ई मित्र वाले के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो सावधान रहिए, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं आई है। जैसे ही कोई गाइडलाइन आती है मैं आपको बता दूंगा। जो आप श्रम कार्ड की बात कर रहे हो वो राजस्थान सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, जिनको मजदूर कार्ड बोला जाता है, यानी कि श्रमिक कार्ड वो एक अलग कार्ड है और एक ई श्रमिक कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया जा रहा है। इसके अंदर कोई भी पात्रता ज़्यादा नहीं रखी गई है, बस दो तीन छोटी छोटी पात्रता रखी गई है। तो सावधान रहिए, कोई भी आपको आवेदन कर रहे हो तो उसमें आपको ई श्रमिक कार्ड के साथ में आवेदन नहीं करना है और ना ही ई श्रमिक कार्ड इसमें साथ में लगाना है। अदर डॉक्यूमेंट के अंदर भी आपको ई श्रमिक कार्ड है जो नहीं लगाना है। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और आप जब भी आवेदन करोगे वो ई श्रमिक कार्ड में उसमें नहीं लगाओगे आवेदन के अंदर। तो चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।